तो इस वीडियो लेक्चर में हम क्या देखेंगे, मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हमने बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर देख लिया था, राइट। अब हम मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर देखेंगे, ये क्या होता है। तो देखो कि इसमें क्या होता है कि ये क्या करता है, आपका मिनिमम ऑयल कंटेन करता है, ठीक है, राइट। तो सबसे पहले क्या है कि इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर मिनिमम ऑयल इज यूज्ड, ठीक है, फॉर द आर्क इंटरप्शन, राइट। और इसमें क्या कर, ये जो सर्किट ब्रेकर होता है आपका, दिस टाइप ऑफ ऑयल सर्किट ब्रेकर, वी आर नॉट यूजिंग द स्टील टैंक। पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, हम स्टील टैंक यूज कर रहे थे, लेकिन इस टाइप के सर्किट ब्रेकर में हम स्टील टैंक यूज नहीं करेंगे। तो फिर क्या यूज करेंगे इसकी जगह, तो जो कंटेनर होगा वो क्या होगा आपका, इट इज माउंटेड ऑन द पोर्सलिन इंसुलेटर टू इंसुलेट फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। इट्स कंटेनर इज मेड ऑफ द पोर्सुलिन और अदर इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होगा, ठीक है, पोर्सुलिन से बना होगा या फिर अदर कोई इंसुलेटिंग मटेरियल से बना होगा, ये आपका स्टील टैंक नहीं होगा, राइट। अब देखो इसमें क्या होता है कि इस टाइप का जो सर्किट ब्रेकर होता है, इन दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर, जो लोअर पार्ट होता है सर्किट ब्रेकर का, वो क्या होता है, सपोर्टेड बाय द पोर्सुलिन एंड द अपर पोर्सुलिन इंक्लोज द कॉन्टैक्ट, ठीक है। आपका लोअर पार्ट क्या होता है, सपोर्ट के लिए होता है, राइट, सर्किट ब्रेकर के सपोर्ट के लिए, और जो अपर होता है वो कॉन्टैक्ट को इंक्लोज करता है, राइट। अब देखो कि इस सर्किट ब्रेकर में क्या होता है कि सिंगल ब्रेक टाइप होता है, ये दिस टाइप ऑफ सर्किट ब्रेकर ऑफ अ सिंगल ब्रेक टाइप, इन विच द मूविंग कॉन्टैक्ट ट्यूब मूव्स इन अ वर्टिकल लाइन एंड मेक और ब्रेक द कॉन्टैक्ट विद द अपर फिक्स कॉन्टैक्ट माउंटेड विद इन अ आर्क कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। इसमें क्या होता है, सिंगल ब्रेक होता है, जो आपका जो मूविंग पार्ट होता है वो क्या होता है, वर्टिकली मूव करता है आपके कॉन्टैक्ट को मेक करने के लिए, ब्रेक करने के लिए, ताकि जो अपर कॉन्टैक्ट और जो आपका जो अपर कॉन्टैक्ट है वो क्या होता है, माउंटेड विद इन अ आर्क कंट्रोल डिवाइस, वो अपर कॉन्टैक्ट आपके आर्क कंट्रोल डिवाइस के डिवाइस में माउंटेड होता है, ठीक है। डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कैसा ये होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, फिर जैसे कि मैंने बताया कि इसमें क्या होता है, आपके दो चैम्बर्स होते हैं, अपर चैम्बर होता है और लोअर चैम्बर होता है, ठीक है। तो अपर चैम्बर जो होता है वो क्या होता है आपका, अपर चैम्बर में क्या क्या होते हैं, आर्क कंट्रोलिंग डिवाइस होता है और फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं, ठीक है। और जो आपका लोअर चैम्बर होता है वो क्या होता है, एक्ट एज अ इंसुलेटिंग सपोर्ट एंड द कंटेन द ऑपरेटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये सर्किट डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। देखो जब आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है जो डाउनवर्ड की तरफ जब मूव करता है तो क्या होता है, इट फोर्सेस द इंसुलेटिंग ऑयल टू एंटर इनटू अ कंट्रोल डिवाइस, ठीक है, आर्क कंट्रोल डिवाइस, राइट। जैसे ही आपका नीचे, मान लो कि आपका कॉन्टैक्ट नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो जो ऑयल होगा वहां पे वो क्या करेगा, वो आपको फोर्स करेगा ऑयल को आपके आर्क जो कंट्रोल डिवाइस है उसमें एंटर करने के लिए, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, आर्क एक्सटिंग्विश हो जाएगा, राइट। तो जो आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसके एडवांटेज देख लेंगे ओवर अ, मान लो उसका एडवांटेज क्या है आपका, ये आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या, रिक्वायर्स द लेस स्पेस एज कंपेयर टू बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा इसका फीचर है, राइट। लेकिन क्या होता है, इट इज लेस सुटेबल इन अ प्लेस वेयर द फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड, राइट, बिकॉज द डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन प्रोड्यूस इन अ स्मॉल वॉल्यूम ऑफ ऑयल इज फार मोर डेंजरस दैन द कन्वेंशनल बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। ये क्या होता है कि अगर मान लो कि स्पेस कम, इसमें क्या होता है, स्पेस कम होता है, तो जो आपका कार्बोनाइजेशन जो होगा आपके ऑयल का वो क्या होता है, मोर डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और क्या होता है, दिस इज ऑल्सो डिक्रीज द डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल ऑयल। उसके बाद देखो जो, और इसका एडवांटेज क्या है आपका, लो ऑयल सर्किट ब्रेकर हैव एन एडवांटेज ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ लेसर क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ठीक है, स्मॉलर स्पेस चाहिए, स्मॉलर टैंक चाहिए, स्मॉलर वेट होता है, ठीक है, लो कॉस्ट होता है, रिड्यूस द मेंटेनेंस प्रॉब्लम इसमें कम होती है, ठीक है। अब ये हो गया आपका ऑयल सर्किट ब्रेकर। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसका आपका कंपैरिजन देखेंगे बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर के साथ। उससे पहले हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं कैसे ये वर्क करता है। तो ये आपका मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का मतलब डायग्राम है, ठीक है। देखो ये आपके क्या होते हैं,
ये आपका मूविंग कॉन्टैक्ट है, ये आपका फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये अपर चैम्बर है और ये आपका लोअर चैम्बर है, ठीक है। ऑयल है ये आपके भरे होते हैं यहाँ पे, राइट। तो आपका जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट नीचे की ओर मूव करता है तो ऑयल क्या होता है, ऊपर की ओर जाता है, जिसके कारण आपका क्या होता है आपके जो आर्क का फॉर्मेशन होता है वो आपका स्टिंग्विश होता है, ठीक है। और ये देखो ये काफी क्या आपका क्या है, ये काफी कम स्पेस लेता है एज कम्पेयर टू योर बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये आप इसका सर्किट डायग्राम, ये आपका क्या है आर्क एक्सटिंग्विश एक्सटिंक्शन डिवाइस है। मैंने जो आपको बताया जो अपर पार्ट होता है वो आर्क एक्सटिंक्शन डिवाइस को कैरी करता है, राइट, और जो मूविंग कॉन्टैक्ट होते हैं उसे कैरी करता है, राइट, ठीक है। तो ये आपका सर्किट डायग्राम है मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर का। उसके बाद हम कंपेरिजन देखेंगे विद अ बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर की क्या इस मतलब दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। तो देखो जो आपके मैंने बोला कंपैरिजन देखेंगे इसका ड्रॉबैक क्या है व्हेन कंपेयर्ड विद द बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। फर्स्ट तो एडवांटेज ये है कि इसमें ऑयल कम लगता है, राइट, ये स्पेस कम लेता है, वो तो हो गया। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है, इंक्रीज द डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन ड्यू टू द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ऑयल, ठीक है। वहां पे बल्क मतलब ऑयल की क्वांटिटी यहाँ पे क्या होती है कम होती है, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या होता है, कार्बनाइजेशन क्या होता है वो ज्यादा होता है, ज्यादा कार्बन रिलीज होंगे क्योंकि आपका ऑयल जल्दी स्मॉल क्वांटिटी है, तो क्या होगा ऑयल जल्दी हीटअप हो जाएगा जिसके कारण ज्यादा आपके कार्बन रिलीज होंगे, राइट। उससे क्या हो जाएगा डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल डिक्रीजेस ड्यू टू द हाई डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन, अगर ज्यादा आपके कार्बन रिलीज होंगे तो आपका डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑयल का कम हो जाएगा, ठीक है। डिफिकल्टी इन रिमूवल ऑफ गैसेस फ्रॉम द कॉन्टैक्ट स्पेस टाइम, ठीक है, इसमें क्या होता है डिफिकल्टी होती है इन रिमूवल ऑफ गैसेस, ठीक है। तो ये सारे इसके ड्रॉबैक थे ओवर आपके बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर, ठीक है। तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर आपका ऑयल कम है तो क्या होगा हीटअप जल्दी होगा, उसमें ज्यादा कार्बन रिलीज होंगे, ज्यादा कार्बन रिलीज होंगे तो उसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी आपके ऑयल की, ठीक है। तो ये आपका था ऑयल मिनिमम ऑयल सर्किट ब्रेकर। तो इसके जो भी आपके नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है।